कि गुलाब की पत्तियों पर ओस की बूंदे, लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है। देखते हैं ना, गुलाब के पत्ते पे जब ओस वगैरह पड़ा रहता है कितना सुंदर लगता है कि नहीं लगता, लगता है कि हीरे चमक रहे हैं। गुलाब की पत्तियों पर ओस की बूंदे, लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है। हवा है धीमी और पत्तों का हिलना न जाने किस बात पर डालियां इतरा रही हैं। लगता है प्रकृति मुस्कुरा रही है, हवा है धीमी और पत्तियों का हिलना न जाने किस बात पर डालियां इतरा रही हैं। कहीं ये इशारा तो नहीं इस बात का कि कुछ अलग बात के लिए अगली प्रस्तुति आ रही है। मैं आप लोगों के सहयोग से आज के हमारे चीफ गेस्ट, हमारे IMD मैं रफीक सर को बड़े ही सम्मान, बड़े ही अदब के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। जोरदार तालियों के साथ, आप लोगों के सहयोग के बिना मैं नहीं बुला सकता है, जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे चीफ गेस्ट IMD रफीक सर। Good morning, DXN. Good morning. Good morning, Mumbai. Good morning. मैं आपके लिए बालो भाषा लेके आया हूं। बालो भाषा का मतलब प्यार है बांग्लादेश में। बांग्लादेश लीडरों ने आप लोगों के लिए भेजा है, सर हमारा जो प्यार है जरूर आज जो मुंबई लीडर्स है, मुंबई में जो प्रोग्राम हो रहे उन तक पहुंचा देना, और मेरा काम था मैं आपको पहुंचा दिया। ये बांग्लादेश का प्यार आपके लिए। बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सेशन, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ये प्रोग्राम नाउ वी आर कंडक्टिंग एंड ब्यूटीफुल क्राउड। DXN में काफी सारी चीज है लोगों को अट्रैक्ट करती है। मुझे जो अट्रैक्ट किया DXN में, जब मैं ज्वाइन किया था DXN में, एक चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, वो है DXN का स्लोगन, वो है DXN का विजन। क्या है पता है? वन वर्ल्ड वन मार्केट DXN का कॉन्सेप्ट है। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये बहुत मुझे अजीब से लगा। हेल्थ प्रोडक्ट से मिल गया, सो फाइला मैडम ने बहुत सुंदर से उन्होंने आपको बता दिया प्रोडक्ट की ताकत क्या है, और वेल्थ के बारे में राहुल जी ने तो कमाल ही कर दिया, सो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बता दिया और ज्यादा सरप्राइज भी हमको दे दिया। सो ये वेल्थ का ताकत क्या है, किसी को कैसा कन्वर्ट करता है, ये दोनों हो गया। अभी मैं किसके बारे में बात करूं, बचा हुआ एक है, हैप्पीनेस के बारे में हम बात करेंगे, सही है ना? बिकॉज ये हैप्पीनेस के बारे में कम बात होता है, बट ये सारी बिजनेस इसीलिए सजा हुआ है वो हैप्पीनेस के लिए। सो इसीलिए हम ये हैप्पीनेस के बारे में आज हम बात करेंगे। लोग सोचते हैं अगर हेल्थ मेरा पास है और वेल्थ मेरा पास है, मैं खुश रह सकता हूं। ये सही है गलत है? ये इक्वेशन को आप उल्टा पढ़ना चाहिए। अगर आप खुश हो, आपका पास सेहत भी रहेगा, आपका पास पैसा भी आएगा। ये सही इक्वेशन। सो अगर कोई बंदा खुश नहीं रहता है, वो प्रोडक्ट के बारे में कैसा बोल सकता है? अगर कोई आदमी खुश नहीं रह सकता है, वो ये बिजनेस कैसा कर सकता है? तो इसीलिए DXN में इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, द बेसिक क्राइटेरिया यहां पे बनता है, यू शुड बी अ हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये है पहला DXN का रूल। एक बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटर था, उनसे पूछा गया था, सर एक फॉर्मूला बताओ, यू टेल मी वन फॉर्मूला जो नेटवर्क मार्केटिंग में हम सक्सेस हो जाए।
बहुत सारी चीज मुझे सिखाओ मत, इतना सीखने के लिए मेरे पास दिमाग भी नहीं है, उतना मैं काम कर भी नहीं सकता हूं। बट एक चीज बताओ, सिर्फ एक चीज, एक फॉर्मूला बताओ, जो फॉर्मूला मैं अपनाता हूं वो फॉर्मूला मुझे सक्सेस बना देगा। वो लीडर ने सिर्फ एक वर्ड में जवाब दिया, वो वर्ड था सेलिब्रेट। वो वर्ड क्या था? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या है हिंदी में? जश्न मनाओ। वो यही बोले थे, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, ये की चीज करो, यू शुड सेलिब्रेट। बिकॉज आज दुनिया में सेलिब्रेशन बहुत कम हो जाता है। घर में भी प्रॉब्लम, दोस्तों में भी प्रॉब्लम, यहां भी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम की बातें करते हैं, बट खुशी की बात, सेलिब्रेशन कभी कभी न्यू ईयर में हो जाता है या बर्थडे में हो जाता है, ये छोड़कर और सेलिब्रेशन नहीं होता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इसीलिए डिफरेंट है, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, एक रूल आप पकड़कर चलो, यू शुड सेलिब्रेट। यू शुड सेलिब्रेट ईच एंड एवरीथिंग। अगर नया मेंबर ज्वाइन हो जाता है, यू शुड सेलिब्रेट, उसके लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए। अगर आपका डाउनलाइन एक पहला प्रोडक्ट सेल कर लेता है, उसके लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए। सेलिब्रेशन का मतलब यह नहीं है आप हॉल पकड़ के सेलिब्रेट करो। जब वो प्रोडक्ट सेल कर लेता है, यू डिड ए फैंटास्टिक वर्क, ये बोलना भी सेलिब्रेशन है। जब आपका टीम में 1300 पीवी कर लेता है, उससे सेलिब्रेट करो। जब 1300 पीवी नहीं करता है, सिर्फ 500 पीवी में रुक जाता है, उसे भी सेलिब्रेट करो, उसे दांतो मत। इतना साल हुआ अभी 500 ही कर रहा है, और बाकी पीवी कौन करेगा? सेलिब्रेट करना सीखो। जब सेलिब्रेशन करेंगे ना, दैट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो बिजनेस है, दिस बिजनेस इज ओनली ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो एनर्जी कितना आप ट्रांसफॉर्म करते हो, उसमें डिपेंड होता है आपका सक्सेस। जब नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करता है, उसे सेलिब्रेट करो। कोई भी प्रोग्राम होता है, उसे सेलिब्रेट करो। दिस इज द बिजनेस ऑफ सेलिब्रेशन। आज ये चीज आप याद रख लेना, आप इसे इंप्लीमेंट करना आपका लाइफ में। सिर्फ डीएक्सन का बिजनेस नहीं, आपका पूरा लाइफ एक बेहतरीन लाइफ बनेगा। आप जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे। वो चीज डीएक्सन आपको सिखाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द हैप्पीनेस, द सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट करने के लिए लोग बोलते हैं, सर इस सेलिब्रेट करने के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। अगर मैं खुश नहीं हूं, मैं सेलिब्रेट कैसे करूं? मेरा दिल में कुछ दर्द है, मेरा पॉकेट में पैसा नहीं है, तो मेरा अंदर से वो सेलिब्रेशन कैसा आएगा? इफ यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट, रिमेंबर वन थिंग, हैप्पीनेस इज द कीवर्ड। खुश रहना, ये जो वर्ड खुश है, जो हैप्पीनेस है, ये बहुत खतरनाक वर्ड भी है और थोड़ा बदमाश वर्ड भी है। बिकॉज इंसान एक ग्रीडी पर्सन है। ग्रीडी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लालची है। उसका उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। मैं किसी को गलत नहीं बोलता, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जो चीज आज मुझे खुश करता है, वही चीज कल मुझे खुश नहीं करेगा, वही चीज और परसों दिन मुझे दुख भी कर सकता है। यू अग्री विथ मी? जब पहली बार मेरे पास साइकिल था, जब पहली बार मुझे बाइक मिला, मैं इतना खुश था, मैंने सोचा था दुनिया से बेहतरीन, बहुत खुश वाली इंसान मैं हूं, मेरे से और कोई खुश इंसान नहीं हो सकता है। ब्यूटीफुल बाइक, वो भी मुझे सेकेंड हैंड बाइक मिला, पहला बाइक, इतना मैंने उसे सजाया, पोछा, प्यार दिया, इतना खुशी दिया वो बाइक मेरे लिए। और 5 साल का बाद
जब बाइक पुराना होने लगा, जब मन में आस आना लगा कार लेने के लिए, जब जो खुशी देता था वो बाइक को मैं देखता हूं, मैं बहुत दुख होता था। मेरी बात आप समझ गए? जो चीज आपको खुशी दिया एक समय, वही चीज कुछ दिन का बाद आपको दुख भी देता है। ये हैप्पीनेस का लफड़ा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नो हाउ टू बी हैप्पी। आज मैं बोलता हूं आपको, चाहे आज मैं सिद्दीकी सर को बोलता हूं, सिद्दीकी सर मैं आपको 1 किलो पत्थर देता हूं, आप रख लो। एक कंडीशन है, ये पत्थर आप सिर्फ रखना है, इसे बेचना नहीं। क्या सिद्दीकी सर खुश हो जाएंगे? खुश होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? ये पत्थर है। और मैं सिद्दीकी सर को बोलता हूं, सिद्दीकी सर मैं आपको 1 करोड़ का सोना देता हूं, बेचो मत, आपका पास रख लेना। सिद्दीकी सर खुश होंगे नहीं होंगे? बहुत बहुत खुश होंगे, सही है ना? क्यों? सोना उनको मिल गया, 1 करोड़ वैल्यू का कुछ चीज उनका पास आ गया है, इसीलिए वो बहुत खुश है। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक आदमी को खुदा ने 30 करोड़ का संपत्ति दिया हुआ है। वो संपत्ति का नाम है आपका ह्यूमन बॉडी, आपका शरीर। अगर आपका हार्ट, लीवर, किडनी, ब्लड, प्लाज्मा, नर्व, हेयर, आई, अगर इसका आप मार्केट का हिसाब से डालेंगे तो क्या बोल रहा है आज का मार्केट में, ये शरीर बिक सकता है, इसका दाम कितना है? 30 करोड़। सो हम सब पैदाइश करोड़पति है। करोड़ रहने में, 1 करोड़ में सिद्दीकी सर ने खुश हो गए, 1 करोड़ सोना ने उनको खुश कर दिया, बट ये 30 करोड़ शरीर ने उनको खुश किया नहीं किया? सिर्फ उनको नहीं, हम सबको ये 30 करोड़ चीज ने खुश नहीं किया, बिकॉज एक चीज का एब्सेंट है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। वो नाम क्या है? ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब जो चीज हमें मिला हुआ है उसको शुक्रिया करना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ग्रैटिट्यूड। अगर ये ग्रैटिट्यूड अगर हमने सीख लिया, ये ग्रैटिट्यूशन अगर हमने सीख लिया, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। वी शुड बी ग्रैटिट्यूड। मेरा पास क्या नहीं है? मेरा पास कार नहीं है, मेरा पास बाइक नहीं है, मेरा पास साइकिल भी नहीं है, बट मेरा पास 2 पैर है, इसीलिए 1000 साल सिर्फ शुक्रिया करना है, 2 पैर में मैं चल सकता हूं। सिर्फ इसलिए शुक्रिया करना है जो मैं देख सकता हूं, सिर्फ इसलिए शुक्रिया करना है क्योंकि मैं सांस ले सकता हूं। एक बार आईसीयू में जाकर देख कर आना, जब सांस नहीं ले पाते हैं उनकी तड़प क्या होता है, तब समझ में आएगा मेरी सांस का जो वैल्यू है। दैट ग्रैटिट्यूड। बार बार हम पेशाब जाते हैं, पेशाब जाने में कोई खुश होता है? मैं भी खुश नहीं हुआ। जब तक डायलिसिस मशीन में नहीं देखा तब तक मैंने खुश नहीं हुआ। आज हर एक बार मैं पेशाब जा रहा हूं, मैं थैंक यू बोलता हूं, विदाउट डायलिसिस में आज पेशाब कर सकता हूं। हर एक चीज यू शुड, ये पूरा लाइफ है ना, दुख होने की कोई जगह ही नहीं है, सिर्फ खुश होने की कारण है। सर मेरा बच्चा नहीं सुनता है, वो निकम्मा है, ये है, हजारों फैमिली ऐसा है तरस जाते हैं एक बेटा बेटी के लिए, खुश हो जाओ आपके पास बच्चे हैं।
खुश हो जाओ, आपका पास रहने के लिए घर है। खुश हो जाओ, आज रात खाने के लिए कुछ खाना है। खुश हो जाओ, आपको पहनने के लिए कपड़ा है। खुश हो जाओ, सोने के लिए बिस्तर है। खुश हो जाओ, अगर आप पढ़ते हो सो सकते हो। खुश हो जाओ, हवा के लिए फैन है। खुश हो जाओ, रोशनी के लाइट है। हर एक चीज में खुशी मनाना जब आदमी सीख जाएगा, he will be the happiest person in the world. हेलो, या सो माय डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब यह है, जैसा इंसान उसका लाइफ में खुशी रहता है, सेम थिंग गोज टू योर बिजनेस। डीएक्स एंड बिजनेस में लोग सिर्फ ये देखते हैं मेरा बोनस कितना आया। बोनस ज्यादा आ गया वो खुश हो गया, बोनस कम आ गया तो खुश नहीं हुआ। जैसा हमारा पास हजारों रीजन है खुश होने के लिए, जो रीजन हम नहीं यूज करते हैं, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में देर आर लॉट ऑफ हिडन वैल्यूज, छुपा हुआ कुछ वैल्यूज है जो हमें पता नहीं, जो ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें देता है, जो देने के कारण हम ऑलरेडी सक्सेसफुल है। नंबर वन, जब आप डीएक्शन में ज्वाइन करते हो, डीएक्शन फॉर्म में साइन करते हो, पहला चीज डीएक्शन आपको देता है एक आइडेंटिटी, एक देता है आपको एक पहचान। वो पहचान है यू आर ए इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए इंटरनेशनल ब्रांड, ये आपका पहचान है, ये आपका अचीवमेंट है। थोड़ा सोचकर देखना, अगर एक इंटरनेशनल ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन आप लेना है आपका घर में, आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक एशियन पेंट का आप डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो, या यूनिलीवर का एक डिस्ट्रीब्यूशन लेना है तो, इतना बड़ा ताकत आपका पास है। व्हेन यू जॉइन डीएक्शन, फर्स्ट थिंग इट गिव्स यू एन आइडेंटिटी। इसीलिए आपको खुश होना चाहिए। डीएक्शन ज्वाइन करने का साथ ही साथ आपने पहला जीत हासिल कर लिया है, इसीलिए खुश होना चाहिए। सेकेंड चीज, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन। जो एजुकेशन एमबीए में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में या बी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, सेम उस तरह की बिजनेस एजुकेशन आपको फ्री में मिलता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। पैसिव इनकम के बारे में, असेट्स के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में, आपका रिटायरमेंट के बारे में, यह नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये शिक्षा है, यह आपका सेकेंड सक्सेस है व्हेन यू कम टू दिस इंडस्ट्री। मैं पैसे के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, पैसे को छोड़कर आपको क्या क्या मिल गया है वो देखो डीएक्शन में। पहला मिला पहचान, सेकेंड आपको मिला है लाइफ चेंजिंग एजुकेशन, कंटिन्यूअस एजुकेशन, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर में फ्री एजुकेशन डीएक्शन के आने का साथ साथ आपको मिलना शुरू हो जाता है। आज आपने एक डाइटिशियन को देखा, शी हैज गिवन ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अगर इसे कमर्शियलाइज करेंगे, ये ध्यान देने के लिए शी कुड हैव चार्ज्ड इजीली 3,000 रुपीस। वो 3,000 आपको फ्री में मिला आज। ये सिर्फ ये 20 मिनट का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा कितना वैल्यू लाइफ चेंजिंग एजुकेशन हमें मिल रहा है डीएक्शन में, वी शुड सेलिब्रेट दैट एजुकेशन। दिस इज आवर सेकेंड रीजन। एंड नंबर थर्ड इज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है ना डीएक्शन में, जो अमीरों का पास जो अपॉर्चुनिटी है, वो सेम अपॉर्चुनिटी आज डीएक्शन आपको दिया हुआ है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? That opportunity is freedom of time. When you have freedom of time, you will have freedom of money. मैं आपको ऐसा समझाता हूं। Say for example,
आपका घर का पास एक बंदा रहेगा, टोकरी में टमाटो सेल करता है, देखा होगा आपने, सही है ना, वो टमाटो सेल करता है। और अंबानी जी भी टमाटो सेल करते हैं, कहां पे सेल करते, कहां पे सेल करते, उनका रिलायंस सुपरमार्केट में अंबानी भी टमाटो सेल करता है, आपका घर का पास राजू भाई भी टमाटो सेल करता है, दोनों टमाटो ही सेल करते, इसमें कोई फर्क नहीं है। बट ये बंदा 500 से ज्यादा कमा नहीं पाता है, बट ये बंदा हर दिन 5 करोड़ कमाता है, कैसा 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 करता है, नेटवर्क सिस्टम नहीं। ये बंदा का पास समय का पाबंदी है, ये सिर्फ 8 घंटा ही काम करता है, तो इसीलिए उसका इनकम भी लिमिटेड रहता है। बट अंबानी जी का पास, उनका 1000 कर्मचारी काम करते हैं, हर दिन 8 घंटा काम करते हैं, तो 8000 घंटे का मालिक अंबानी जी है। अगर उसे 80000 घंटा करना चाहेंगे फिर भी कर सकते हैं, 800000 घंटा करना चाहेंगे फिर भी कर सकते हैं, ये समय को मल्टीप्लाई करने का जो ताकत, जो सिस्टम उनका पास है, वो सेम ताकत, वो सिस्टम ये डीएक्शन बिजनेस आपका हाथ में देता है। जब मैं 2 घंटा काम करता हूं, मेरा 100 डाउनलाइन सिर्फ 2 घंटे काम करते हैं, तो 202 घंटे का मालिक मैं हूं। रत्ना वसुपाल के नीचे आज लाखों लोग काम करते हैं, सारे लोग खुद के लिए काम करते हैं, बट सारे लोग का कमाई जो जो उनका समय है, वो समय का कुछ हिस्सा उनको मिल जाता है, तो उससे वो बैठ बैठ कर 1-2 लाख घंटे समय का जो फ्रीडम, जो आजादी उनको मिल जाता है, बिकॉज ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम उनको मिला है वही सिस्टम आपको भी मिला है। यू अग्री विथ मी? ये जो सिस्टम है ये आपका मिला है, फॉर दैट यू शुड सेलिब्रेट। और क्या दिया डीएक्शन ने आपको, दुनिया से एक बेहतरीन स्किल, दुनिया में नंबर 1 स्किल बोला जाता है, वो स्किल का नाम क्या है, क्या स्किल है, बेचने का स्किल, सेलिंग स्किल। दिस इज द नंबर 1 स्किल इन द वर्ल्ड। दिस स्किल, ये जो स्किल है हर एक बंदा यूज करता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज नहीं करता है। जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है वो भी ये सिल्क स्किल को यूज करता है, खुद को बेचता है उसका सामने, मुझे तू मुझे अपना ले बिकॉज मेरा अंदर इतना काबिलियत है। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं हम खुद को बेचते हैं सो दैट कंपनी हमें हायर करने के लिए। जो एक छोटा बच्चा रोता है वो मनाता है बाप को एक चीज हासिल करने के लिए, वो भी बेचता है। ये जो बेचने का जो स्किल है, ये जो बेहतरीन स्किल, जब आप डीएक्शन में आगे और प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिए, ये जो स्किल है ऑटोमेटिक आपका लाइफ में आ जाता है। ये जाते 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 ये जो स्किल है बेहतरीन होता ही जाता है, बेहतरीन होता ही जाता है। सो आज अगर आप चाय बेचने की कला जान लेते हो, कल दुनिया में कोई भी चीज आप बेच सकते हो, बिकॉज कला आपका पास आ गया है। ये जो स्किल, ये स्किल के लिए आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। दिस इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग हैज गिवन अस। और नेटवर्क मार्केटिंग ने हमको क्या दिया, जब हम स्पॉन्सर करते हैं लोगों का प्रॉब्लम सुनकर एक सोल्यूशन देते हैं, यू बिकम ए कंसल्टेंट। कैसा पेशेंटली सुनना, सुनने का बाद उनको क्या सोल्यूशन देना, ये जो सुनने का आदत और एक सोल्यूशन देने का जो कंसल्टेंट का जो कला है, ये आपको मिल जाता है। एक नया अवतार आपका अंदर आ जाता है, यू बिकम ए कंसल्टेंट इन डीएक्शन। इसके लिए यू शुड सेलिब्रेट। नॉट ओनली दैट माई फ्रेंड, जब हमारा टीम बड़ा हो जाता है,
जब टीम बड़ा होते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, झगड़ा भी बड़ा होता है। यू अग्री विथ मी? जब मैं अकेले डीएक्शन में था कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब डाउन लेन बन गया ये शुरुआत में मेरा बात सुनते थे, कुछ दिन का बाद मैं जो बोलता हूं उसका उल्टा करता है डाउनलाइन। उनको संभालना, उनका दिमाग को पढ़ना, उनका दिमाग पढ़कर उनकी तरफ मोड़कर काम करना, ये जो लीडरशिप क्वालिटी जब जाने में अनजाने में अंदर आ जाता है, दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड इन डीएक्शन। इसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए जो लीडरशिप आपने हासिल किया डीएक्शन में। जब आपका पास टीम है, व्हेन यू बिकम द लीडर यू ऑटोमेटिक डेवलप दिस लीडरशिप। और एक बेहतरीन कला डीएक्शन आपको देता है वो है बात करने की कला। जो बात करने का जो तरीका, पहला मैं बात करता था एक भी मेंबर स्पॉन्सर नहीं होता था, 10 बार बात करता था एक होता था, फिर बात करने लगा बात करने लगा बात करने का लगा, एक साल का बाद 10 लोगों से बात करता था 8 लोग मेंबर होते थे। बिकॉज जो बात करने की जो कला है, जो टेक्निक है, जो स्पीकिंग का जो पावर है वो बेहतरीन हो गया। ये जो ट्रेनिंग डीएक्सएन ने मुझे दिया और कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया में आपको नहीं दे सकता है, वो ट्रेनिंग डीएक्सएन ने मुझे दे दिया। इसके लिए मुझे सेलिब्रेट करना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू सी द रीजंस। अगर मैं बोलते जाऊं, बोलता पैसा का तो वो बाय प्रोडक्ट है, मैं बोलता हूं डीएक्सएन में पैसा एक साइड इफेक्ट है। गन्ने में गन्ने का जूस आता है ना, जूस आने के बाद जो चक्का बनता है वो पैसा है। ये जो जूस है वो वैल्यू है, ये वैल्यू डीएक्शन हमें देता है। बट लोग परेशान हो जाता है चक्के को देखकर, ये वैल्यू को देखकर जो वैल्यू ने डीएक्शन में आपका लाइफ में दिया है। दैट वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, द वैल्यू चेंजिंग एजुकेशन इज वॉट इंपॉर्टेंट, वॉट डीएक्शन हैज गिवन यू। माय डियर फ्रेंड्स, डीएक्शन जो ये जो दुनिया है, ये छोटे से लेकर अभी बहुत बड़ा हो चुका है, ये ऑटोमेटेड हो चुका है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये डीएक्शन का जो रस्सी है इसे पकड़ कर रहना है, इसे छोड़ो मत। डीएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है दादर स्टेशन का प्लेटफॉर्म जैसा है। दादर ट्रेन स्टेशन मैंने एक बार वीडियो में देखा था, दादर ट्रेन स्टेशन प्लेटफॉर्म में आप खड़ जाओ, ट्रेन आएगा 1 मिनट का बाद आप ट्रेन का अंदर। सही है गलत, जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेटफॉर्म में खड़ना जरूरी है। सिस्टम वहां वैसा बन गया, आप चाहो या ना चाहो वो ट्रेन का अंदर आपको घुसा देगा। जरूरी क्या है, प्लेटफॉर्म में खड़ना जरूरी है। सेम जैसा डीएक्शन का जो भीड़, आज डीएक्शन इतना बड़ा हो गया है, डीएक्शन का प्लेटफॉर्म में खड़े रहो। एक दिन ना एक दिन ये जो सिस्टम है आपको क्राउन एम्बेसडर बना के ही रहेगा। ये जो प्लेटफॉर्म को छोड़ो मत। आप मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, आपको अच्छा लगता है अच्छा नहीं लगता है, ये प्लेटफॉर्म को छोड़ो मत। बिकॉज ये प्लेटफॉर्म आपको जिताने वाला है, ये प्लेटफॉर्म आपको क्राउन एम्बेसडर बनाने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, सो सिस्टम को पकड़ो and you can become crown ambassador in DXN. Hazaron we have stories to share with how the system has transformed people. Aur ye jo saal hai 2023 DXN ke liye bahut ek behtareen saal hai, because ye jo saal mein we are going to celebrate 30th anniversary for DXN. Ye jo hoga 15 अक्टूबर 2023, आप डायरी में नोट करके रख लेना, इसका आसपास में कोई शादी कुछ भी नहीं रखने का।
बिकॉज डीएक्सएन आपको बुलाता है मलेशिया, यू शुड गो टू मलेशिया। ये मलेशिया जाने के लिए आप जा सकते हो, आप खर्चा करके भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डीएक्सएन चाहता है आप मेहमान बनकर डीएक्सएन का घर आइए। इसके लिए डीएक्सएन हैज गिवन ये ब्यूटीफुल कॉन्टेस्ट, ये कॉन्टेस्ट आपको डीएक्सएन ने दिया हुआ है, बहुत सिंपल कॉन्टेस्ट है। हर महीना कितना पीवी करना है? हर महीना 3,000 मिनिमम, बट 5 महीना मिलाकर 25,000 बस। ये तो हर बंदा कर सकता है। सेकेंड मेन कंडीशन है, जो नए लोग आते हैं उनके जरिए से कितना पीवी आना चाहिए? 2,00,000 पीवी आना चाहिए, एक महीने में नहीं, 5 महीना मिलकर ये 2,00,000 पीवी आना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ये 2,00,000 देखकर आप परेशान मत होइए, बिकॉज पहला महीना में आपका पास 10 नया मेंबर है, नो प्रॉब्लम। ये 10 20 होगा, 20 40 होगा, 40 विल बिकम 80 एंड 80 विल बिकम 160। बिकॉज हमें ये जो 10 है हर महीना जो पीवी करता है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 5 महीना मिलकर ही आपको 2,00,000 आना चाहिए नया मेंबर से। तो एक आसान तरीके का प्रमोशन है, जो प्रमोशन आपको 30th एनिवर्सरी तक लेकर जाता है। बिकॉज जब डीएक्सएन का टेस्ट पाना है, यू शुड अटेंड 30th एनिवर्सरी का टेस्ट। बिकॉज ये जो 30th एनिवर्सरी है, यहां पे 10,000 पीपल इकट्ठे होने वाले हैं, एंड ये होने वाले हैं डीएक्सएन का खुद का नया हेडक्वार्टर में, मलेशिया में, जो एक बेहतरीन हेडक्वार्टर डीएक्सएन बनाया है, वहां पे हम इकट्ठा होने वाले हैं। सारी दुनिया से लोग आएंगे, अगर सारी दुनिया के लोग को एक ही जगह देखना है तो आप 30th एनिवर्सरी में आ जाओ। इतने काले लोग आपने देखा नहीं होगा, 30th एनिवर्सरी में आप देखेंगे। उतने गोरे लोग आपने देखा नहीं होगा जो 30th एनिवर्सरी में आएंगे। उतना ऊंचा लोग आपने कभी भी देखा नहीं होगा जो आप 30th एनिवर्सरी में देखेंगे। और काटे काटे लोग भी है, जो भाषा आज आप तक सुना नहीं वो भाषा आप सुनेंगे 30th एनिवर्सरी में। सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आता है, जो पेरू मेक्सिको या बोलीविया में आते हैं उनको इंग्लिश अब तक उन्होंने पहचाना नहीं, वो उनके भाषा में बात करते हैं, हम हमारा भाषा में बात करते हैं, बट बात समझ आता है क्योंकि वहां पे एक ही लैंग्वेज होता है, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन का लैंग्वेज। ये जो सेलिब्रेशन आप देखना है 30th एनिवर्सरी, आप मिस मत करिए। इसके लिए डीएक्सएन आपको बहुत सारी प्रोडक्ट ले आ रहा है आपको मदद करने के लिए, प्रमोशन दिया हुआ है, आपके लीडर्स आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप भी खुद भी ट्रेनिंग करिए। आपका जो फर्स्ट लाइन है, जो 6 लाइन को आप स्ट्रांग करना है, जो एक कंडीशन है उसका ऊपर काम करिए, सो दैट डेफिनेटली यू कैन अचीव 30th एनिवर्सरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक चीज आप घर याद यहां से लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे? खुश होकर जाएंगे। यू अग्री विथ मी? यस। आज से मायूस होने का कोई वजह नहीं है, बिकॉज दुनिया ने इतना बेहतरीन सजा हुआ है जो हमको खुश रखने के लिए। सो यू शुड बी हैप्पी एंड अंडरस्टैंड डीएक्सएन का जो वैल्यू है, जो वैल्यू आपका लाइफ में कितना चेंज लाया है, वो वैल्यू को सेलिब्रेट करो और जिंदगी को सेलिब्रेट करो और क्राउन एम्बेसडर बन जाओ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट ऑन गो क्राउन।